अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर राजकुमारी सहयोगिता के रोल में नजर आएंगी। फिल्म को डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट कर रहे हैं। रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने इतिहास पर बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि किताब के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हमारे हिंदू राजाओं के बारे में केवल 4 लाइनें हैं, वहीं मुगल साम्राज्य का इतिहास पूरी किताब से भरा हुआ है। हमें इसे धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि कल्चर के तौर पर देखना चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास गंगा से होते हुए सोमनाथ मंदिर तक जाता है, इसके बाद वह दिल्ली तक आता है। सम्राट पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहा कि मैं समझता हूँ सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस देश को निर्णय करना था कि वह कौन सी चेतना है, जिसके आधार पर ब्यूरो रिपोर्ट IPN